तो गाइस मेरा नाम है तुषार और आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं रियल क्रिकेट 24 को क्रिकेट 24 के साथ में। तो गाइस ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी के लिए क्योंकि हम सभी जो है क्रिकेट 24 और रियल क्रिकेट 24 के बहुत ही बड़े फैंस हैं और हम इन दोनों गेम्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं अपने डिवाइसेस में खेलते हो, चाहे वो पीसी हो चाहे वो फिर मोबाइल हो। तो गाइस अगर आपको जानना है कि इन दोनों गेम्स में हमें सबसे बेस्ट गेम कौन सी खेलने को मिल जाती है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, जिससे होगा कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन और सारी डिटेल्स और सारे फीचर्स के बारे में काफ़ी अच्छे से पता लग जाएगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा इस वीडियो को और हम बिना ज़्यादा वक्त गवाए शुरू कर देते हैं अपनी इस वीडियो को। और गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं करा है अपने फ्रेंड्स के साथ में तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि वो भी इस कंपैरिजन के बारे में जान पाए, इस पूरे वीडियो के बारे में जान पाए, पूरे इस गेम्स के फीचर्स के बारे में जान पाए। तो काफ़ी बढ़िया रहेगा आपके दोस्त के लिए भी और आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला। तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हमारे इस चैनल को। सो गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रिकेट 24 से और देखते हैं क्रिकेट 24 में हमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे क्रिकेट 24 को ओपन कर दिया और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका मेन मेन्यू यहाँ पे है जो कि हमें इसमें सबसे पहले एक होम का ऑप्शन देखने को मिलता है और सेकंड ऑप्शन हमें इसमें जो है क्रिकेट एकेडमी का देखने को मिल जाता है। तो गाइस होम के ऑप्शन पे आप देखेंगे आपको काफ़ी सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मोड्स हैं इस गेम में। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला हमें प्ले नाउ का ऑप्शन मिलता है, तो ये गाइस क्विक मैच टाइप का एक इसमें फीचर है जिसमें आप डायरेक्टली कोई सा भी एक मैच डायरेक्टली आप लगा सकते हो और इन्जॉय कर सकते हैं आप इस फीचर को। इसके बाद आपको यहाँ पे करियर का एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप एक फुल करियर है चाहे वो मेंस हो चाहे वुमेंस हो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया करियर मोड है इस गेम का स्टार्ट से लेके पूरे एंड तक, मतलब जबकि आपका करियर स्टार्ट होता है अपने स्टेट से लेके फिर उसके बाद जब आप IPL खेलते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, पूरा इंटरनेशनल क्रिकेट तक का पूरा सफ़र है इस गेम में। काफ़ी बढ़िया क्रिकेट मोड, काफ़ी बढ़िया करियर मोड आपको इस गेम में देखने को मिल जाता है और गाइस इससे बढ़िया करियर मोड आपको किसी भी क्रिकेट गेम में खेलने को नहीं मिलता है। तो हमारे पास तो तीसरा ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे द एशिस का मिलता है। तो गाइस सबसे पहले जो गेम आई थी एशिस से ही आई थी, मतलब एशिस था इसका नाम, एशिस 17 करके था, तो उसी को फिर कंटिन्यू जो है क्रिकेट से किया गया है। तो एशिस में आपको फुल एशिस सीरीज मिल जाती है तो यहाँ पे आप एशिस सीरीज कंटिन्यू कर सकते हैं चाहे वो मेंस हो या फिर वुमेंस हो। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ऑनलाइन मिल जाता है, ऑनलाइन मोड में आप अपने दोस्तों के साथ में मल्टीप्लेयर खेल सकते हो और वर्ल्ड चैंपियनशिप मिल जाता है। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप क्रिएट न्यू करते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड चैंपियनशिप आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि सबसे पहला आपको वन डे वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिल रहा है, दूसरा T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप और तीसरा टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप। और फोर्थ और फिफ्थ की बात करें तो यहाँ पे आपको वुमेंस का भी मिल जाता है, वुमेंस वन डे वर्ल्ड चैंपियनशिप और वन डे का सॉरी वुमेंस T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप आपको खेलने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अभी जो इसके ऑफिशियल फीचर्स हैं D100 इसमें एक नया इसी बार ऐड किया गया है तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको बिग बैश लीग, ऑफिशियल बिग बैश लीग देखने को मिलती है जिसमें आपको रियल टीम्स देखने को मिलेंगी, जितनी भी बिग बैश के सारे रियल प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। इंडियन T20 लीग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, इसमें भी आपको सारे इंडियन क्रिकेट टीम्स जो कि IPL की टीम्स है सब मिल जाती हैं सिवाय दो टीम्स के, वो है गाइस हमारी फेवरेट टीम्स जो कि CSK और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है, तो वो दो आपको इसमें नहीं मिलती और बाकी सब आपको इसमें पूरा रियलिस्टिक मिल जाता है। यहाँ पे आपको CPL देखने को मिल जाता है जिसमें आप CPL मेंस और वुमेंस दोनों खेल सकते हैं और सारे मोड्स जो यहाँ पे मेंस और वुमेंस दोनों खेल सकते हैं गाइस आप। तो PSL आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे PSL भी आप खेल सकते हैं अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट लीग के फैन हो तो आप ये भी इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आपको ड्रीम 11 सुपर स्मैश का भी यहाँ पे आपको फीचर देखने को मिल जाता है। तो क्रिकेट एकेडमी है इसमें जहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने सारे क्रिकेट प्लेयर्स वगैरह सब, जितने भी आपके स्टेडियम्स वगैरह सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रैक्टिस मोड आपको देखने को मिल जाता है, ट्यूटोरियल में आप अपना सिंपल वही गेम आप अपना सीख सकते हो। टूर मोड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया मोड है, तो यहाँ पे आपको ये सारे टूर्स देखने को मिल जाते हैं, एशेज वुमेंस एशेज देख सकते हैं आप गाइस कितने सारे आपको मोड्स देखने को मिल जाते हैं, पाक टूर, आयरलैंड, मतलब जितने भी 2023 के ऑफिशियल टूर्स है आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद कॉम्पिटिशन में जाएंगे, कॉम्पिटिशन भी आपको यहाँ पे मैनेज कॉम्पिटिशन में अगर हम जाएँ तो आपको यहाँ पे T20 लीग्स वगैरह सब जितने भी हमारी लीग्स होती हैं जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट कर दी कोई भी लीग तो यहाँ पे जाके आप जो है मैनेज कर सकते हैं और उन सारी लीग्स को आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कंट्रोल्स और सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको। बाकी इसके ग्राफिक्स जो है दोनों गेम के मैं एंड में दिखाऊंगा, गेम प्ले दोनों गेम्स के गेम प्ले में एंड में दिखाऊंगा जो कि आपको डिसाइड करना है दोनों के ग्राफिक्स किस कौन आपको किसके ग्राफिक्स जो अच्छे लगते हैं वो आप डिसाइड करिएगा। बाकी आपको मैंने अभी क्रिकेट 24 के फीचर्स के बारे में बता दिया और साथ में यहाँ पे क्रिकेट अकेडमी है तो क्रिकेट अकेडमी में सिंपल आप यहाँ पे प्लेयर
क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, बैट के स्टिकर से लेके स्टेडियम से लेके क्रिकेट प्लेयर तक सब आप यहाँ पे कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं रियल प्लेयर्स को अपने इस गेम में। तो गाइस ये सारा जो हमें क्रिकेट 24 में देखने को मिलता है, और अब हम बढ़ते हैं रियल क्रिकेट 24 की ओर। तो गाइस हमने यहाँ पे रियल क्रिकेट 24 को अपने मोबाइल डिवाइस में ओपन कर लिया। तो गाइस सबसे पहले तो हम सबसे बड़ा कंपैरिजन तो यही है कि जो ये गेम है हमारे मोबाइल डिवाइसेस के लिए सिर्फ, और जो क्रिकेट 24 हमारे सिर्फ पीसी के लिए वो गेम आपको देखने को मिल जाता है, पीसी कंसोल्स में आपको देखने को मिलता है। लेकिन रियल क्रिकेट 24 आप अपने सिर्फ और सिर्फ फ़ोन में खेल सकते हैं, तो पीसी में भी आप खेल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लू स्टैक। बट ऑब्वियसली बात, हम क्यों ही पीसी में रियल क्रिकेट 24 को खेलेंगे। लेकिन अभी हमने रियल क्रिकेट 24 हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे आप इसका होम मेन्यू देख सकते हैं। तो इसका होम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होम है इसका, मेरे को एज़ कम्पेयर टू क्रिकेट 24 काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, मल्टीप्लेयर आपको देखने को मिल जाता है, टूर्नामेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मोड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, स्टोर का ऑप्शन, और ऊपर हमें क्वेस्ट, मिशंस, शॉर्ट बुक, मोड्स और प्रोफाइल, नेट्स, टिप्स, ये सब हमें सेटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाती है। तो होम पे आपको क्विक मैच और टेस्ट मैच देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लेयर की बात करें, आप जाहिर सी बात है मल्टीप्लेयर में आप ऑनलाइन खेल सकते हैं। तो उसके बाद टूर्नामेंट्स वगैरह हम जाएँ तो टूर्नामेंट्स में आपको यहाँ पे इंटरनेशनल डोमेस्टिक टूर्नामेंट मिल जाता है। तो इंटरनेशनल में आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें टूर्नामेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो मास्टर कप और एसोसिएट कप तो इनका अपना खुद का कुछ भी है। तो बाकी सारे मोड्स आपको लॉक्ड मिल जाते हैं जो कि आपको गेम खेलना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस सारे के सारे मोड्स को अनलॉक कर पाएंगे, चाहे वो एशिया कप हो, टेस्ट चैंपियनशिप हो और वर्ल्ड कप 2023 हो। तो ये सारी चीज़ें आपको क्रिकेट 24 में नहीं मिलती है, एशिया कप भी क्रिकेट 24 में नहीं है। तो वो गाइस होना चाहिए था उस गेम में लेकिन नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें उसमें नहीं मिलती है। अगर हम फीचर्स की अगर हम बात करें, अभी हम फीचर्स देखेंगे भी, लेकिन अगर हम लिटरल में फीचर्स की बात करें तो रियल क्रिकेट 24 में एज़ कम्पेयर टू क्रिकेट 24 काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया फीचर्स आपको रियल क्रिकेट 24 में मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रिकेट 24। तो यहाँ पे अगर हम डोमेस्टिक में जाएंगे तो आप डोमेस्टिक में यहाँ पे आप काफ़ी सारी कंट्रीज़ के डोमेस्टिक लीग्स खेल सकते हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश हो। बट आपको यहाँ पे लाइसेंस्ड आपको टीम्स या फिर वो नहीं मिलेंगी, बाकी आपको क्रिकेट 24 में लाइसेंस मिल जाता है और इसमें डोमेस्टिक भी आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें मोड्स में, अगर हम जाएँ तो मोड्स में आपको फिर वही ऑब्वियस वाले जो हमें मोड्स देखने को मिल जाते हैं, सर टूर, आरपीएल, और इसमें हमें गाइस ऑक्शन भी देखने को मिलता है जो कि हमें क्रिकेट 24 में नहीं मिलता है। तो रोड टू वर्ल्ड कप ये भी हमको देखने को मिलता है, टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप हमें सब यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाता है, और रोड टू हमें इसमें ये IPL भी देखने को मिल जाता है जो कि इसका RCPL है। तो गाइस इसमें जो सबसे बड़ी ऑप्शन जो है ऑक्शन का है, जो कि हमें क्रिकेट 24 में नहीं मिलता है और लगता नहीं है कि कभी वो आने भी वाला है क्रिकेट 24 में या फिर कभी आएगा भी, क्योंकि गाइस ये इंडियन फैंस की डिमांड थी। तो इंडियन डेवलपर्स हैं, इन्होंने तो फिर गाइस ला ही लिया ये फीचर, काफ़ी टाइम से है इनकी सीरीज़ में, क्रिकेट रियल क्रिकेट की सीरीज़ में। लेकिन गाइस आपको ये ऑप्शन इसमें भी देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया एक मोड है इसमें। तो स्टोर में अगर आप जाएंगे तो स्टोर में आप ये सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं। सेम गोज़ टू द क्रिकेट 24 में, ऐसा कुछ स्टोर का नहीं है, आपको DLCs वगैरह खरीदनी पड़ती हैं अलग से, मतलब उसके अलग अलग गेम के वो सब आता है, और वो गेम पेड गेम और ये फ्री गेम है गाइस। तो फ्री में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा खेलने को मिल जाता है इस गेम में। और मोड्स की अगर हम बात करें गाइस, मोड्स में वैसा ही जैसे हमें क्रिकेट अकेडमी देखने को मिलता है क्रिकेट 24 में, लेकिन गाइस आपको ये खरीदना पड़ता है यहाँ पे। तो गाइस ये खरीदना आपको पड़ता है, ये थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग सा लगा कि मतलब हमें क्रिकेट 24 में चीज़ खरीदनी पड़ेगी, तो ये मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग सा लगा। बाकी गाइस इस ऑप्शन को भी आप इन्जॉय कर सकते हैं, अगर आप इस पर आप पैसा लगाएंगे आप फिर इस मोड को भी आप अनलॉक कर सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी हम इसके सबसे बढ़िया की बात करें, हम जो इसमें आपको देखने को मिल जाता है वह है गाइस इसमें आपको हिंदी कमेंट्री भी देखने को मिलती है, जो कि आपको क्रिकेट 24 में नहीं मिलती है, क्योंकि ऑब्वियस रीज़न यही है कि क्रिकेट 24 जो है एक इंटरनेशनल ग्लोबल गेम है, और ये भी एक तरह का इंटरनेशनल गेम है, बट ये हमारा अपना देसी गेम है और इंडियन डेवलपर्स ने इस गेम को बनाया है, डेवलप किया है, पब्लिश करा है। तो इसमें आपको ऐसे लगा इस हिंदी कमेंट्री भी आपको देखने को मिल जाती है, तो ये सब हम चीज़ें इन्जॉय करते हैं। तो गाइस अगर आपको इन दोनों गेम्स के कंपैरिजन में अगर आपको कौन सी गेम अच्छी लगती है आप वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और फीचर्स के बारे में बता दीजिएगा अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो। और गाइस इसके अब हम गेम प्ले पे जाते हैं, बस आप इस इन दोनों गेम्स का गेम प्ले इन्जॉय कर सकते हैं। मैं आगे की वीडियो में अब गेम प्ले चला रहा हूँ, उसके बाद ग्राफिक्स का आप गाइस खुद कंपैरिजन कर लेना, क्योंकि ग्राफिक्स के मामले में तो गाइस दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि वो एक पीसी गेम है और एक मोबाइल गेम है। तो मोबाइल के हिसाब से काफ़ी बढ़िया ग्राफिक्स है इस गेम को, और पीसी के हिसाब से उस गेम के काफ़ी बढ़िया ग्राफिक्स है। तो आप इस दोनों के गेम प्ले को एंजॉय करिए, छोटा सा गेम प्ले दोनों गेम्स का मैं चला दूंगा। तो गाइस
आप उस गेम प्ले को एंजॉय करिए, मिलते हैं ऐसे फिर किसी एक और वीडियो में, तो गाइस तब तक ले बाय बाय। Players will be taking the field today. Both teams look balanced and eager to perform. Ladies and gents, please stand up for the national anthems. Welcome everyone to this wonderful venue. We have the umpires walking out with the new ball in their hand. Pace bowler into the attack. There must be some nerves as the batsman is set to face his first ball. He didn't get any timing on that one. The bowler has overstepped, no ball. Shot right on the middle of the bat. Padding up to that. The bowler looks really confident. Oh boy, that's a maximum. I want to know how far that's gone. Came right off the meat of the bat. Crunch, on the front foot and bang. Gone all the way. Bolt has had a pretty good over. Just needed a bit more luck to find a wicket. Going with spin now. Went for the drive, complete miss. Well, down the wicket they came, a massive swing. Very fortunate to still be out there. Missed it, stumping opportunity. Wow, that's missed a lot. Chance gone. As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently.